हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है ऑल न्यू फेसलिफ्टेड मर्सिडीज बेंज GLA। ये पर्टिकुलर कार पेट्रोल और डीजल दोनों में ही आती है। मेरे पास में डीजल कार टॉप ऑफ द लाइन मॉडल AMG लाइन है, जो कि फोर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में आता है, फोरमेटिक जिसे मर्सिडीज बुलाते हैं। इस पर्टिकुलर कार में जो चेंजेस हुए हैं वो अपन एक डिटेल वॉक अराउंड में देख लेते हैं, उसके बाद में लेके चलेंगे चलाने और जानेंगे कि चलाने में न्यू GLA कैसी फील होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I... तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन से, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो फ्रंट ग्रिल है ये आप लोगों को कम्प्लीटली नहीं मिल रही है देखने में, और ये लोगो मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ा है। फ्रंट कैमरा, ये 360 कैमरा जो है वो कार के अंदर आ गया है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे 6 पार्किंग सेंसर है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर न्यू शेप के अंदर फ्रंट बम्पर, जस्ट बिकॉज ये AMG लाइन वेरियंट है मेरे पास में। नॉन AMG वेरियंट के अंदर ग्रिल और बम्पर जो है वो दोनों ही डिफरेंट लुक के अंदर आपको आएंगे। यहाँ पे LED हाई परफॉर्मेंस लाइट, रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन बेस्ड यूज़ करी गई है। टर्न इंडिकेटर जो देख पा रहे हो ये कन्वर्ट हुआ है LED DRL से, तो DRL जो है टर्न इंडिकेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर लोगो भी आप लोगों को मर्सिडीज बेंच का बोनेट के ऊपर मिल जाता है। तो फ्रंट डिज़ाइन जो है वो हैज़न्ट सच बहुत ज़्यादा बड़ा चेंजेस जो है वो नहीं किया है, बट माइनर फेसलिफ्ट है, तो अगेन थोड़े बहुत चेंजेस करके कार को रिफ्रेश लुक जो है वो दे दिया गया है। सेम विद द साइड लुक ऑल्सो, साइड में भी कार जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर पहले से फील करवाती है। और साथ ही अब 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स पे चल रही है, AMG की ब्रांडिंग, AMG अलॉय व्हील है ये। अगर आप लेते हैं नॉन AMG वेरिएंट तो उसमें 18 इंचेस के व्हील मिलेंगे। इन पर्टिकुलर टायर प्रोफाइल जो है वो 235/50R19 रखी गई है, और व्हील आर्चेस भी बॉडी कलर आप लोगों को मिल जाते हैं। देन साइड फेशिया जो है वो कार का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, इसमें कुछ हैज़न्ट सच बदलाव बहुत ज़्यादा बड़े ड्रास्टिक नहीं हुए हैं। देखते से ही समझ में आ जाता है कि हाँ, ये मर्सिडीज बेंज की GLA है, एंट्री लेवल लग्जरी SUV। अगेन यहाँ पर ये क्रोमा डोर हैंडल्स, चारों डोर हैंडल्स पे रिक्वेस्ट सेंसर आपके पास में, साइड मिरर पे कैमरा, टर्न इंडिकेटर, ब्लाइंड स्पॉट फंक्शन, और ऊपर आप देखेंगे तो ये सिल्वर कलर के रूफ रेल्स, काफ़ी बड़ा पैनोरमिक स्लाइडिंग फंक्शन के साथ में सनरूफ, 183mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक्स हैं। पीछे आ जाते हैं, पीछे आप लोगों को जो चीज़ नहीं मिलती है वही ये ऑल LED टेल लैंप, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। टर्न इंडिकेटर कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। साथ ही ये LED टेल लैंप मतलब एक एटमॉस्फेयर के हिसाब से, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से इल्यूमिनेशन जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया। GLA 220D यहाँ पर लिखा हुआ है, मर्सिडीज बेंच का लोगो, फॉर्मेटिक जस्ट बिकॉज ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में अब आती है। पर्टिकुलर डीजल इंजन अगर आप लेते हैं तो ही, अदरवाइज फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप जो है वो आपको पेट्रोल इंजन के साथ में मिलने वाला है। ये पर्टिकुलर 2 लीटर का जो डीजल इंजन है वो क्या कुछ जनरेट करता है, उन सब की बात अपन ड्राइविंग वाले पार्ट में करेंगे। 6 पीछे पार्किंग सेंसर है, यहाँ पर भी क्रोम यूज़ करा गया है। ये जो फेक एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पर जिस टाइप से लगाए गए हैं ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। यहाँ पर नीचे सिंगल टिप एग्जॉस्ट पाइप जो है वो आपको मिलता है, डिफ्यूज़र काइंड ऑफ लुक जो है वो यहाँ पर दिया गया है नीचे बम्पर को। ये ब्लैक फिनिश के अंदर जो है वो रखा गया है, पूरा लाइक प्लास्टिक है ये। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकती थी, आई गेस। ओके, अब मेरे पास में अगर चाबी है जेब में तो मैं लेग स्वाइप करूँगा और अब इसकी टेल गेट ओपन हो जाएगी। ये फंक्शन इसमें एड ऑन कर दिया गया है, बाकी सारे फंक्शन तो इसमें ही जैसे डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, स्टॉप माउंट क्लैंप, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, और ऊपर आपको एंटीना वगैरह यहाँ नहीं मिलता है, वो भी इंटीग्रेटेड कहीं ना कहीं करा हुआ है। इसको ओपन करने के लिए सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और बहुत ही इजीली ये बटन जो है वो मिल जाता है। कैमरा आपको इसलिए नहीं दिखा बिकॉज कैमरा भी जो है वो पॉपअप होकर बाहर आता है। लाइट कम कर दी, और अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इसका ये बूट स्पेस। अगेन बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया है साइज़ में, 425 लीटर का बूट स्पेस है। 3-4 लोगों का 3-4 दिन का सामान कैरी करके आप लोग जा सकते हो आराम से किसी ट्रिप पे। सीट जो है वो भी फोल्डिंग फंक्शन के साथ में आती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को स्पेस सेवर टायर मिलता है, 145/80R19 प्रोफाइल। टायर इन्फ्लेटर जो है वो भी आप लोगों को मिलता है, और इधर जैक वगैरह, टूल किट और मेडिकल किट जो है वो रखा हुआ है। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास में लाइट है, हैंगर है, 4 हुक भी ऐसे मिलते हैं जिसमें अगर कुछ सामान वगैरह आपको प्लेस करके जाना है तो आप जा सकते हैं। ये ट्रे जो है वो काफ़ी बड़ी है, पार्शल ट्रे, इसको चाहें तो आप हटा भी सकते हैं अगर आपको कुछ बड़ा सामान रखना है तो। अदरवाइज़ अगेन ये है तो काफ़ी अच्छी साइज़ में। अंदर चल के मैं आपको इसकी साइज़ दिखाने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ से मैं आपको एक बटन प्रेस करके इसको ऑफ करके बता देता हूँ। तो बूट को कर दिया क्लोज, चलते हैं अंदर और देखते हैं कि GLA अंदर से कैसी है और क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर ऐड हुए हैं इंटीरियर में। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये डोर हैंडल सॉफ्ट टच मटेरियल सभी जगह, और रेड कलर की स्टिचिंग्स आपको इसके अंदर मिल रही है। 1 टच अप एंड डाउन चारों पावर विंडोज़, यहाँ से आप डोर ओपन करेंगे, नीचे स्पीकर्स, 1 लीटर बॉटल ये होल्ड कर लेती है। पूरा ब्लैक कलर का ये इंटीरियर है देखने में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तीनों ही हेडरेस्ट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में, पीछे ये काफ़ी बड़ी पार्शल ट्रे, लाइक लग्जरी कार है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें आर्म रेस्ट पीछे नहीं दिया गया है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी जो है लाइक समझ नहीं आई कि आर्म रेस्ट इस पर्टिकुलर कार के अंदर क्यों नहीं मिलता है।
लाइक यहाँ से मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकता हूँ, मैं सर से भी आपको एक बार फोल्ड करके बता देता हूँ। तो ये सीट जो है वो मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दी है कंप्लीट, बट इसमें ऑप्शन है एक और, अगर मुझे 60-40 नहीं करनी है स्प्लिट तो मैं 40-40-20 भी स्प्लिट कर सकता हूँ, यानी कि सीट को डाउन करके मुझे कुछ सामान निकालना है, आसपास दो लोग बैठे हैं तो यहाँ से जो है वो सामान निकाला जा सकता है और इसको आप ऐसे ऊपर कर सकते हैं वापस से। तो ये सीट्स की वर्किंग आप लोगों ने देख ली, अब अंदर बैठ के मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सेंटर हम्प जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसको बंद करके आप ऐसे क्लोज कर सकते हैं, बट यहाँ पर ना ही मोबाइल यहाँ आएगा ना ही मोबाइल यहाँ आएगा, बस इतनी सी फिंगर मेरे अंदर जा रही है। दो टाइप सी पोर्ट है और एसी वेंट है, यहाँ पर आपके पास में मैगजीन होल्डर है। ये जो सीट का मतलब जो पर्टिकुलर मटेरियल है ना, ये लिटरली मुझे पर्टिकुलर बहुत ही प्यारा जो है वो लगता है, बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ करा गया है यहाँ पे। ओके वाओ, वाओ फैक्टर तो है, मेरे पैर पूरे अंदर चले गए। यहाँ पर लेग रूम काफ़ी अच्छा है, नी रूम काफ़ी अच्छा है, थाई सपोर्ट भी मुझे यहाँ मिल रहा है ऐसे बैठा हूँ तो, बट अगर ये सीट पीछे हो जाएगी या नीचे हो जाएगी तो डेफिनेटली ऐसे रखना पड़ेगा और फिर थाई सपोर्ट जो है वो मुझे नहीं मिलेगा। ओके गेट की थर्ड बहुत प्यारी, 5-स्टार रेटिंग है कार की। यहाँ पे मेरे पास में काफ़ी बढ़िया हेडरूम है, कोई परेशानी नहीं है। इधर आपके पास में हैंडल बार और ये काफ़ी बढ़िया इल्यूमिनेशन के साथ में लाइट और कोटुक जो है वो मिलता है, और सेम सेटअप आपको इस तरफ भी जो है वो देखने मिलता है। और साथ ही ये जो फ्रंट वाले हेडरेस्ट हैं ये 2 एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं, तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं और दूसरा इसकी हाइट जो है वो एडजस्ट हो जाती है, तो इनको आप यहाँ से दोनों ही हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका काम गया, इस तरफ बटन जो है वो रखा गया है। डैशबोर्ड देख लो काफ़ी खूबसूरत है, आगे चल के मैं आपको पूरा और अच्छी तरीके से बता देता हूँ। बाकी एक चीज़ और, यहाँ पर बैठने में ऐसा लगता है कि जो रिक्लाइन है सीट का और ज़्यादा होना चाहिए था, बिकॉज 200-300 किलोमीटर चलना है तब तो ठीक है, अगर लॉन्ग ड्राइव करनी है तो यहाँ पर ये बहुत ही अपराइट जो है वो सीटिंग मुझे मिल रही है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे की सीट्स कैसी है। ये फ्रंट डोर आप लोग देख लो, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल, नीचे हार्ड प्लास्टिक है, ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल। 1 लीटर बॉटल होल्डर यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इसका बूट इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे ORVM के फंक्शन है और सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं विंडो के लिए। कार को यहाँ से आप लॉक अनलॉक करेंगे, यहाँ से गेट ओपन करेंगे। कार्बन फाइबर ट्रिम यहाँ पर दिए गए हैं, 3-वे एडजस्टमेंट फंक्शन दिए गए हैं मेमोरी सीट्स के लिए, यहीं से सीट्स को भी आप जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। लंबर सपोर्ट आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे और थाई सपोर्ट भी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं मैन्युअली। ओके नीचे AMG मैट्स यहाँ पर लगी हुई हैं कार के अंदर, और जो पैडल्स हैं उनमें मेटल हैं, ऊपर रबर टिप दी गई है। डेट फुटरेस्ट भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स और पार्किंग ब्रेक का स्विच। टर्बाइन लाइक फिनिश के अंदर आप लोगों को ये AC वेंट्स मिलते हैं, ऊपर आपको ब्लैक कलर का फिनिश भी मिल जाता है। नीचे अगर आप देखोगे तो स्कल्प प्लेट पे मर्सिडीज बेंच लिखा हुआ है। इस सीट को मैं पूरा पीछे कर देता हूँ ताकि मैं अच्छी तरीके से बैठ के आपको प्रॉपर एक एक चीज़ें जो है वो कार की बता पाऊँ। चलते हैं अंदर बैठते हैं। ओके कार को भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। कार जो है वो काफ़ी प्रीमियम फील देने लग जाती है जैसे ही आप अंदर बैठते हो, और ये काफ़ी अच्छी होल्ड करने में लग रही है स्टीयरिंग व्हील, जस्ट बिकॉज की ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये मेरे पास में AMG वर्जन है, दैट्स वाई यहाँ पर इस टाइप का मिल रहा है, अदरवाइज नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको मिलेगा। इसके अंदर रेड स्टिचिंग्स हैं, नापा लेदर जो है वो यूज़ हुआ है, और यहाँ पर ये अलग अलग बार्स इस टाइप से यूज़ करे गए हैं स्टीयरिंग व्हील पे। प्रॉपर आपको सारे टच कंट्रोल जो है हैप्टिक टच के साथ में मिलते हैं, इस तरफ भी आपको सारे टच कंट्रोल जो है वो हैप्टिक टच के साथ में मिल रहे हैं, और ये क्रूज कंट्रोल के स्विचेस हैं, यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो चलाएंगे, इस तरफ से आप ये वाली स्क्रीन को चलाएंगे, और इधर से आपके कॉल और वॉल्यूम के सारे कंट्रोल जो हैं वो दिए गए हैं। ये बीच में हॉर्न एयरबैग के साथ में, अगेन काफ़ी प्रीमियम मटेरियल जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, और साथ ही ये जो आपके पैडल शिफ्टर्स हैं इनमें भी काफ़ी प्रीमियम मटेरियल यूज़ करा गया है, होल्ड करने में ये पैडल शिफ्टर जो है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स, इधर आपके पास में गियर लीवर जो है वो मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार आप लोग देख लो, अलग अलग लेआउट जो है वो आप इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये स्पोर्ट्स लेआउट, और इन्हीं को आप लाइक जो ड्राइविंग मोड है उनसे प्रॉपर तरीके से मैच भी कर सकते हैं कि कौन से ड्राइविंग मोड अगर आप चेंज कर रहे हैं तो किस टाइप का लेआउट जो है वो स्क्रीन का आना चाहिए। कंप्लीट मैप, मर्सिडीज बेंच का मैप यहाँ पर मिलता है। ये असिस्टेंट फंक्शन यहाँ पर काम करता है। ये ऑफ रोड डिस्प्ले जो है वो एड ऑन हो गया पर्टिकुलर कार के अंदर, यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, जैसे स्टेयरिंग कितना घुमा हुआ है वो इस तरफ बताएगा, राइट साइड में आपके RPM जो है वो बताएगा, बीच में जो है वो काइंड ऑफ नेविगेशन का काम कर रहा है कि किस तरफ किस डायरेक्शन में कार आपकी बढ़ रही है, एलिवेशन वगैरह कितना है, सभी चीज़ें यहाँ पर जो है वो बता रहा है। इसको चेंज करते हैं, मेरे को पर्टिकुलर ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगता है जिसमें बीच में मैप आ जाता है, आप चाहें तो चेंज कर दें उसे। ऐसे ही अलग अलग फीचर्स जो हैं वो आप इसके एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, और आपके पास में स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर और ऊपर डिजिटल स्पीडोमीटर, सभी चीज़ें प्रॉपर मिल जाती है टाइम वगैरह फंक्शन के साथ में। अब आते हैं सेंटर कंसोल पे। सेंटर कंसोल अगेन काफ़ी बढ़िया है। MBUX फंक्शन तो अगेन कार के अंदर है ही। मर्सिडीज बेंच की सारी कार MBUX फंक्शन के साथ में आती है। इसमें नेविगेशन, फोन, रेडियो, कनेक्टिविटी, मीडिया, एप्स, कंफर्ट के अंदर आपके पास में सीट मसाजर है, एम्बिएंट लाइट है, 64 ऑफ रोड मोड जो है वो लगा गया है। इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, फ्यूल कंजप्शन, व्हीकल, इंजन, पावर डिलीवरी वगैरह सभी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बताएगा। ब्रेक, एक्सेलरेटर आप कितना यूज़ कर रहे हैं, इंजन की पावर कंजप्शन, टॉक कन्वर्टर, टॉक कंजप्शन जो है वो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। देन आपके पास में बैक करते हैं तो ये ऑफ रोड डिस्प्ले जो है वो काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर आपके पास में कई सारे फीचर्स जो है मिल जाते हैं। ड्राइव में कहाँ पे कितनी पावर जा रही है, स्टेयरिंग का जो एंगल है वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाता है। 36 डिग्री जो स्टेयरिंग इसकी टर्न होती है और ये पोजीशन वगैरह भी है। इधर इंजन डाटा, टायर प्रेशर, टायर पोजीशन वगैरह सभी चीज़ें आप लोगों को जो देखना है वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सेंटर में भी ये जो है एलिवेशन वगैरह आपको प्रॉपर बताएगा। यहाँ पे आपका ये हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आपको करना है वो आप कर सकते हैं। 2 से लेकर 18 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर ये हिल डिसेंट कंट्रोल जो है आपका वर्क करेगा। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाती है। अगेन एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आपके पास में वायरलेस हैं और वो सभी चीज़ें बहुत ही स्मूथली वर्क करती हैं। सेटिंग्स में अगर आएंगे तो कई सारी सेटिंग्स जो है वो आपको मिल जाएगी आपकी गाड़ी से रिलेटेड। डिटेल में अगर मैं गया सभी चीज़ों के तो बहुत ही लंबा वीडियो बन सकता है। नीचे आपके पास में अगेन ये AC वेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉपर तरीके से इनमें इल्यूमिनेशन होता है। रात में इसका एम्बिएंट जो है, रात में कार के अंदर एम्बियंस जो है वो काफ़ी प्यारा हो जाता है, जस्ट बिकॉज जो लाइक यहाँ पर जो लाइट्स वगैरह यूज़ करी गई एम्बिएंट लाइट वो बहुत ही कमाल लगती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ये ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और अगेन ये चीज़ जो स्विचेस वगैरह हैं इनके ये टिक टैक बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। आपके पास में नीचे ये शटल दी गई है, इसको आप ओपन करेंगे। वायरलेस चार्जिंग दिया गया है फ़ोन के लिए, एक टाइप सी पोर्ट है, आपके पास में 2 कप होल्डर हैं, इससे आप कप्स अपने लॉक कर सकते हैं। देन थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, रबर फिनिश के साथ में आता है ये। डायनेमिक बटन पे आपके पास में ये मोड्स हैं, अलग अलग मोड जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं कार के, कम्फर्ट, इको, स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल और ऑफ रोड मोड। देन आपके पास में कम्फर्ट मोड के अंदर मैंने कार डाल दी, अभी चलाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपका 360 कैमरा है, साथ ही इसके अंदर ऑटोमेटिक पार्किंग फंक्शन भी आता है जिसमें कार जो है वो पार्किंग सर्च करती है। आप पार्किंग सिलेक्ट कर लो, कार ऑटोमेटिक पार्क हो जाती है। उसमें आपको ना गियर लगाना है, ना ब्रेक दबाना है, ना स्टेयरिंग मैनेज करना है, सब चीज़ें कार खुद से कर लेती है। ये 360 कैमरा जो है अलग अलग एंगल से आप लोगों को कुछ स्टेप से दिखा रहा है, बट इसको आप मूव नहीं कर सकते हो अनफॉर्चुनेटली, ये बात है। हम इसको एक बार रिवर्स गियर में डालता हूँ तो ये रियर कैमरा जो है आप देख पा रहे हैं, अगेन ये भी काफ़ी अच्छा है और ये सराउंडिंग यहाँ से जो है वो दिख पा रही है। टर्निंग गाइडलाइन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से ओपन होता है इसका ये आर्मरेस्ट के नीचे। काफ़ी बढ़िया स्टोरेज मिलता है आपको, 2 टाइप सी पोर्ट इसमें भी मिल जाती है। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर, लेदर स्टिचिंग्स, रेड कलर की स्टिचिंग्स, लेदर फिनिश काफ़ी प्यारी। सीट्स तो अच्छी है ही, ये सीट्स के अंदर भी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। 3 वे मेमोरी सीट जो है वो भी दी गई है। यहाँ पर कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट जो है वो सभी जगह आपको देखने मिल रहा है। नीचे अगर आप देखोगे तो ये ग्लव बॉक्स आप लोग देख लो, कुछ इस टाइप का दिया है। साइज डिसेंट है और लाइट भी आपको यहाँ पर मिल रही है। ऊपर डैशबोर्ड वगैरह पे सभी जगह सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो आपको फील होता है। ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पर, वैनिटी मिरर विथ लाइट। और एक चीज़ ये साइज़ में काफ़ी छोटा है और एक्सटेंड जो है वो नहीं होता है। यहाँ पर ब्लूटूथ माइक सेम हियर, यहाँ पर भी ब्लूटूथ माइक है और आपके पास में वैनिटी मिरर लाइट फंक्शन के साथ में है। अब मैं आपको ऊपर एक बार दिखाता हूँ कि ऊपर क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको मिलती है। तो जैसे आप ओपन करें इसका सनरूफ तो पीछे जो शेड है वो भी ओपन हो जाता है, तो ये पूरा शेड यहाँ पर रोल हो जाता है। और अगेन पीछे वालों के लिए भी मूनरूफ है और आगे वालों के लिए सनरूफ है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। ग्लास को काफ़ी आराम से ओपन होता है ग्लास, पूरा टाइम लेके अपना, और ओपन हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं होगा ओके। तो बस ये इतना ही ओपन होता है, इससे ज़्यादा जो है वो ओपन नहीं होता है। अगेन डिसेंट साइज़ में ओपन हो रहा है, इसको ऑफ़ कर देते हैं और ऐसे ही आराम से आके जो है वो क्लोज़ होता है, बहुत आराम से होता है, थोड़ा ज़्यादा ही आराम से हो रहा है एक्चुअली है। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो इसकी मोटर्स हैं वो भी थोड़ा सा साउंड करती है, और ग्लास रोल अप रोल डाउन जो है वो थोड़ा सा और फास्ट होना चाहिए था। सो गाइस, कार आप लोगों ने प्रॉपर अच्छी तरीके से देख ली है, अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में मर्सिडीज बेंज GLA जो है वो कैसी फील होती है। तो चलिए चलाना स्टार्ट करते हैं मर्सिडीज बेंज की न्यू फेसलिफ्टेड GLA को। इस पर्टिकुलर कार की ड्राइविंग वगैरह कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, कंफर्ट कैसा है, सभी के बारे में प्रॉपर तरीके से बात करते हुए चलते हैं। लगभग 400 किलोमीटर के आसपास इस कार को मैं चला चुका हूँ, 400 किलोमीटर से ज़्यादा ही मैंने इसको ड्राइव कर लिया है, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो सब चीज़ें मैं आपको एज अ यूज़र जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर मैं कार चला रहा हूँ ड्राइविंग सीट पर हूँ, जो कि मैं मोस्टली 350-400 किलोमीटर मैंने ड्राइविंग सीट पर ही है, मैं 15-20 किलोमीटर के आसपास पीछे बैठा था, जस्ट बिकॉज कि मैंने सीट को फील करना था कि पीछे वाली सीट जो है वो
कैसी फील होती है। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर बैठते हुए मेरे को क्या कुछ चीज़ें फील हुई मैं बताते हुए चलता हूँ। अगेन मेरे को व्यूइंग एंगल काफ़ी बढ़िया लगा, कार के जो व्यूइंग एंगल है वो सभी चीज़ें बढ़िया हैं, कहीं दिक्कत जो है वो मुझे नहीं आई। थोड़ी बहुत परेशानी जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में या मतलब एक ऐसे एरिया में गया जहाँ पे गलियाँ वगैरह हैं वहाँ पर टर्न वगैरह लेना करना है या गोल सर्कल पर टर्न लेना है, तो ये जो ए पिलर है ये काफ़ी ज़्यादा थिक मुझे लगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकता था। और सीन क्या है कि जो ग्लास है वो लाइक प्रॉपर तरीके से मतलब लाइक दूर नहीं है, वो ये वाला जो स्पेस है वो इस ग्लास से लेके आगे तक पूरा कंप्लीट ब्लैंक हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकता था। बाकी IRVM ORVM से व्यू जो है वो डिसेंट आपको मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं आएगी व्यू एंगल से रिलेटेड, आपका मोटा मोटा सारा काम 95% हो जाएगा। देन सीट हाइट जो एडजस्टमेंट वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आगे पीछे वगैरह आपके स्टेयरिंग व्हील जो है आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, आपके हाइट इवन 265 भी है तब भी आप इस कार के अंदर बैठ के जो है वो आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट अर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, मेरी हाइट तो नॉर्मल 5'10" है, उसके बाद में भी सभी जगह हाथ जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुँच जाते हैं, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर किसी को टच करने में या वहाँ तक हाथ रीच करने में या बटन का कोई प्लेसमेंट ऐसा नहीं दिया है कि जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बार बार लाइक सोचना पड़े कि हाँ इसको टच करने के लिए वहाँ जाना है इधर जाना है उधर जाना है, तो ऐसे प्रॉपर तरीके से काम जो है मेरा सभी जगह बन जाता है कार के अंदर। कंफर्ट की बात करते हैं तो अगेन फ्रंट सीट्स तो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर कंफर्टेबल जो है आपको लगती है बैठने में, कुशनिंग वगैरह डिसेंट है, साइड सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं ट्रिपल डिजिट पे तब भी साइड में जो है वो आपको अच्छी तरीके से सपोर्ट मिल जाता है, लंबर सपोर्ट वगैरह भी आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, फोर वे एडजस्टमेंट लंबर सपोर्ट आपको मिलता है ताकि आप लॉन्ग डिस्टेंस अगर जर्नी करें तो पीठ वगैरह जो है वो आपकी नहीं दुखे। तो ओवरऑल सीट्स फ्रंट की मुझे अच्छी लगी, पीछे वाली सीट में स्पेस कम है, तो नॉर्मल अगर आपकी हाइट है जैसे कि 5'4", 5'5", 5'6", 2'5", 7' भी ले लो तो उन लोगों को जो है थाई सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा और वो आराम से बैठेंगे। बट एक कंप्लेन किसी भी हाइट का पर्सन पीछे बैठ के करेगा वो है रिक्लाइन एंगल का, रिक्लाइन एंगल जो है वो बहुत ही मतलब ऐसे अपराइट फील होता है, वो एंगल थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर होता तो बढ़िया लगता, मतलब बिकॉज ऑलमोस्ट आप 60-65 लाख रुपीज़ के आसपास ऑन रोड इस कार के लिए पे कर रहे हो तो कंफर्ट तो आपको डेफिनेटली चाहिए। हाँ ठीक है, मर्सिडीज बेंच की तरफ से ये फर्स्ट उनका एंट्री लेवल SUV मतलब लाइक बोली जाती है GL है, बट अगेन जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसके लिए लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है रिक्लाइन एंगल मिल जाता, जस्ट बिकॉज कि इसकी प्राइस पॉइंट से थोड़ा सा जो नीचे गाड़ी आती है कोडिया का समझ लो आप या अपना जो ये टिगुआन है, तो ये गाड़ियाँ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर कम्फर्ट भी रियर सीट पर और ज़्यादा बेटर स्पेस जो है वो प्रोवाइड कर देती है। Q3 में भी सेम मेरे को वही प्रॉब्लम लगती है, Q3 में इवन दो और ज़्यादा कम स्पेस लगती है GL से, जो आपकी X1 में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर स्पेस जो है वो पीछे वाली सीट पे फील होता है। तो अगर आपको मोस्टली कार 90% 95% ड्राइवर से ही चलानी है और पीछे बैठना है तो X1 आप प्रेफर करो कंपेयर टू GLA या Q3 के, बट अगर आप खुद आगे बैठ के चलाना चाहते हो तो आपको एक बहुत ही लग्जरी फील जो है वो मर्सिडीज़ के अंदर ही आने वाला है। जो ओवरऑल लेआउट है इनके डैशबोर्ड का, आगे जो ओवरऑल फील है, जो मटेरियल की क्वालिटी का जो सिलेक्शन वगैरह किया गया है वो एक नंबर ऊपर ही है X1 से। Q3 को तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा, Q3 को तो एक अपडेट की रिक्वायरमेंट है प्रॉपर तरीके से, Q3 का अपडेट आया नहीं बहुत टाइम से, तो Q3 को तो एक प्रॉपर अपडेट चाहिए और उसका लाइक पूरा लेआउट वगैरह भी थोड़ा सा अपडेटेड सा ही फील होता है। X1 अभी नहीं आ गई है, उसका मैंने 2000 किलोमीटर चला के प्रॉपर लॉन्ग ड्राइव रिव्यू करा था, क्योंकि वो कार मेरे पास में थोड़े से ज़्यादा लंबे टाइम के लिए थी, ये कार मेरे पास में शॉर्ट टाइम के लिए आई है तो मैं इतना ज़्यादा उसको नहीं चला पाया, तो मैंने फिर भी लाइक 300-400 किलोमीटर से ऊपर चला लिया, 300 किलोमीटर के आसपास सिटी में और लाइक 150-200 किलोमीटर के आसपास मैंने हाईवे पर चलाया, मूर्थल वगैरह उस तरफ चले गया था मैं इसको लेके, स्टोरीज देखी होगी इंस्टाग्राम पे जिन लोग कनेक्ट है उन लोगों ने, तो ऐसे करके मेरा 450-500 किलोमीटर का ड्राइव जो है वो ऑलमोस्ट हो गया इस कार के साथ में। और अब बात करते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो कार के इंजन की कैसी है, डीजल इंजन आपको क्यों लेना चाहिए, पेट्रोल इंजन में क्यों रिकमेंड नहीं करता, जस्ट बिकॉज कि पेट्रोल इंजन यार नो डाउट अच्छा है, जिनको रनिंग बहुत कम है 500,000 किलोमीटर चलानी है तो वो लोग आप ले लो, बट 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन लेना सेंस बनाता नहीं यार, वो बात हो जाती है। खैर इसमें ठीक है आप छोड़ो पेट्रोल इंजन, अगर आप X1 में देखोगे तो वहाँ पर भी 1.5 लीटर का ही मिलता है, तो इतने छोटे इंजन इन बड़ी गाड़ियों में, खैर हाँ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, गियर बॉक्स वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, सारी चीज़ें होती है, बट स्टिल देर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पर बात आ जाती है कि थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा डालो और आप ये इंजन जो है वो परचेस कर लो। अब डीजल इंजन का सिर्फ एक ही कॉन्स है कि जो डीजल इंजन लाइक जो लोग पेट्रोल ही शुरू से चलाएं उनको ये कार थोड़ी सी नॉइजी फील होती है। होता है क्या कि जैसे ही आप डीजल इंजन को चालू करते हो तो ये रैव करने स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले आइडियल कंडीशन पे भी आवाज़ करने लग जाता है, वहाँ पर आपको ये फील होगा कि यार मैं पेट्रोल लेता थोड़े से साइलेंट रहती वो सब चीज़ें, स्लो चलते हैं आप ट्रैफिक में तब आपको थोड़ा सा ये डीजल क्लटर जो है वो सुनने में आ जाता है, पता चल जाता है कि हाँ यार डीजल इंजन में चला रहा हूँ, बट वंस यू आर डूइंग लाइक 100, 120, 80s लाइक उस स्पीड पे आपको पता भी नहीं चलता है कि आप पेट्रोल चला रहे हो या डीजल चला रहे हो, जस्ट बिकॉज ये 8 स्पीड का DCT गियर बॉक्स, मतलब
नेक्स्ट लेवल मैजिक जो है वो कर देता है। क्या मैजिक करता है मैं आपको बताता हूँ। 80 की स्पीड से अपन देखते हुए चलते हैं प्लेन रोड से आगे। अभी मैं 80 की स्पीड पर चल रहा हूँ, मैं इसको मैनुअल शिफ्टिंग ले लेता हूँ अपने हाथ में, पैडल से शिफ्ट करूँगा मैं गियर को। 1200 RPM पे मैं चल रहा हूँ 80 की स्पीड पे, ठीक है। मैं इसकी स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, मैं इसको 90 पे करके आपको बताता हूँ कि 90 में भैया क्या स्पीड जो है वो आपकी गाड़ी की रहने, सॉरी कितने RPM जो है वो रखी गया। अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बिकॉज एक प्रॉपर सरफेस पे जो है वो कार के RPM बराबर रहते हैं। तो अभी 90 की स्पीड के आसपास हैं, 8th गियर पे हूँ मैं, 1400 RPM के आसपास में जो है कार क्रूज़ कर रही है। अब नीचे उतरेंगे, आगे नीचे अपन नहीं देखने वाले हैं, बट फिर भी मैं 100 की स्पीड तक जो है वो जाता हूँ 8th गियर में ही। अभी 8th गियर में सीन ये कि मैनुअल अगर आप ये ले लेते हो लाइक हाथ में अपना पूरा कमांड, तो फिर वहाँ पर आपको पावर डिलीवरी की कमी महसूस होती है। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डाउनशिफ्ट वगैरह करना पड़ेगा फॉर श्योर। वो किसी भी कार में अगर इतने ऊपर गियर पर चले जाओगे तो पावर डिलीवरी तो नहीं मिलने वाली है फॉर श्योर। अब मैं 100 की स्पीड पर आया हूँ और 1500 RPM पे जो है मैं रेव कर रहा हूँ। 1500 RPM पे यार 100 की स्पीड पर चलना है, मान के चलो कि आप 17-18 का माइलेज आपका कहीं नहीं गया। मैं रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी आपको बताऊँ 22-23 के यहाँ पर दिखा रहा है, मैं 17-18 बोल रहा हूँ। 19 की कंपनी क्लेम करती है फॉर श्योर, वो 18 के आसपास आप निकाल लोगे अगर आप नॉन स्टॉप 100 पे चलते हो और इस टाइप के कुछ रोड्स हैं तो। अगेन 110 पे चलते हैं अपन, और ये चीज़ जो है जो लॉन्ग ड्राइव ज़्यादा करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी उनको ये सब चीज़ें। यहाँ पर मैं 1700 RPM के आसपास जो है 1600-1700 RPM के बीच में हूँ, 110 की स्पीड पे हूँ। मैं और तेज करता हूँ, 120 पे अपन चलते हैं अभी को, और मैं 120 पे क्रूज़ कर रहा हूँ और लगभग 1800 RPM पे मेरा इंजन जो है वो रेव कर रहा है। तो ये मैजिक है। अब 120 की स्पीड पे आप चल रहे हो, 1700-1800 RPM के आसपास में आपका इंजन रेव कर रहा है, क्या मतलब स्मूथनेस, कामनेस, मतलब लाइक इंजन रिफाइनमेंट क्या फील होता है। और कार में ये स्पीड पता नहीं चलती, लाइक ट्रस्ट मी 120 से ऊपर मत करना, बट ये कार 150-160 भी बहुत ईजिली जो है वो कर लेती है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी आपको थोड़ा फास्ट भी जाना पड़ गया तो ये कार आपको पूरा कॉन्फिडेंस देती है अबाउट हैंडलिंग, ब्रेकिंग, स्टेयरिंग फीडबैक। स्टेयरिंग पे आ जाते हैं, स्टेयरिंग की बात करते हैं आगे, ना मैं आराम से चलाता हूँ थोड़ा सा। तो स्टेयरिंग की अपन बात करते हैं, स्टेयरिंग पे भी आपको अभी, हाँ एक और चीज़ बता दूँ, मैं कंफर्ट मोड पे हूँ, ठीक है। वहाँ पे सी दिख रहा होगा आपको, ऐसा नहीं कि मैं इको पे चला रहा हूँ या स्पोर्ट्स पे चला रहा हूँ, कंफर्ट मोड पे मैंने कार को चलाया थ्रू आउट द टाइम अभी तक जितना अपन ने स्टार्ट करा है। हाँ जी, तो स्टेयरिंग का फील एंड फीडबैक काफ़ी अच्छा है, लाइक अभी 100 की स्पीड पे हूँ और बढ़िया फीडबैक, एक मतलब पिन पॉइंट पे फीडबैक जो है वो मुझे मिल जाता है। कोई शिकायत मुझे स्टीयरिंग व्हील से नहीं है, चाहे वो स्लो स्पीड पे आप हो या हाई स्पीड पे आप हो, प्रॉपर तरीके से कार जो है वो चल जाती है, कोई दिक्कत या परेशानी आपको हैज़न सच कार चलाने से रिलेटेड जो है वो नहीं आएगी। वहीं अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं, मैं लगा के नहीं बता सकता आपको जस्ट बिकॉज कि मैं हाईवे पे हूं, यहां पे ब्रेक्स मारना गलत हो सकता है मेरे लिए भी और दूसरे जो ड्राइवर्स हैं उन लोगों को भी मतलब डिस्ट्रैक्ट कर सकती है ये चीज़ की कार एकदम रुकी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि ब्रेक्स भी गाड़ी के अच्छे हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर ब्रेक्स बाइट्स आपको और ज़्यादा बेटर मिलती है, चौड़े टायर आपको मिल जाते हैं, 19 इंच के बड़े व्हील्स मिलते हैं, सरफेस एरिया उनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो और ज़्यादा बढ़िया ब्रेकिंग जो है ये कर पाते हैं। तो जो 18 इंचेस वाले हैं वो आपको कंफर्ट ज़्यादा देंगे, यहाँ पर आपको स्पोर्टी कैरेक्टर जो है वो मिल जाएगा, बिकॉज अगेन आपने चूज़ ही इसलिए करा है कि AMG लाइन दैट डजंट मीन, आप ये मत समझना कि इंजन की ट्यूनिंग चेंज करी गई है, ये सेम वही 2 लीटर का इंजन है, 180 हॉर्स पावर, 400 Nm का टॉर्क आपको जनरेट करके देता है और 8 स्पीड के टॉक DCT गियरबॉक्स से पैड है। वहीं अगर आप पेट्रोल इंजन लोगे तो वहां पर आपको 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स मिले, 7 स्पीड टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलेगा। अब ये क्या होता है कि मोस्टली अपन अपने मुंह से ही निकलता है 7 स्पीड DCT 8 स्पीड टॉक कन्वर्टर, बट यहाँ पर उल्टा है, 8 स्पीड DCT और 7 स्पीड टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्स है और इंजन 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन। खैर वहां पर भी पावर डिलीवरी वगैरह अच्छा है, वो इंजन स्मूथ है, मैंने ए क्लास के अंदर वो वाला इंजन चलाया है, तो ए क्लास का अगर आपको रिव्यू देखना है तो आप देख लो, इंजन वही सेम है, बट हाँ बॉडी कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं जस्ट बिकॉज की SUV है और वो सेडान है, तो ये एक बात है। और बाकी ओवरऑल हाँ ये भी बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यार अगर लेनी है तो क्या सेडान लें डीजल में या SUV लें। अब सीन पता है क्या यार, देखो सेडान ले सकते हो बट उसमें स्पेस कम है, वो नीचे है और अगेन चलाने करने में अच्छी लगती है बट उतना कंफर्ट वगैरह उसमें नहीं मिलता। मैं प्रीफर करूँगा GLA डीजल आप परचेस करो। एक तो ये ऑलरेडी ड्राइव सेटअप के साथ में आ गई, इसमें ऑफरोडिंग मोड भी है, आप अपना ऑफरोडिंग मोड सेलेक्ट करो, थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग वगैरह कर लो, ऑफरोडिंग का कई सारा डाटा जो है वो यहाँ पर आपको ये दे देता है, मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार। ये ऑफरोडिंग डिस्प्ले जो है वो अभी पता नहीं क्यों थोड़ा सा ऐसे स्लो सा हो रहा है। और हाँ मेरे को एक और चीज़ अच्छी लगती है, ये ऑफरोडिंग डिस्प्ले जब आप चालू करते हो ना तो यहाँ पर ये भी बताता है कि टायर कौन से वाले व्हील में, लाइक फ्रंट में और रियर में दोनों में किस जगह कितना पावर डिलीवरी हो रही है। लाइक मोस्टली कार जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव पे ही चलती रहती है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हाँ अगर आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, आपने रेस वगैरह एकदम दी है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली टायर्स में, फ्रंट एंड रियर में, एक्सल्स में जो है उसके अकॉर्डिंगली ये करता रहता है। अभी मैंने लाइक ब्रेक लगाया, अभी अब मैं देखो रेस दूंगा ना
तो पहले तो ये यही कोशिश करेगा कि फ्रंट टायर जो है उस पर जाए पूरा पावर, बट अगर इसको लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर ग्रिप वगैरह की रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा ही मुझे लाइक इसको पुल करना है, तो फिर ये जो है रियर वाले टायर में पावर डिलीवरी चालू कर देता है। और जैसे ये देख सकते हो रियर वाले टायर में पावर ज़्यादा है तो आगे वाले में कम होना शुरू हो जाता है और पीछे वाले में बढ़ना लग जाता है। तो ओवरऑल चलाने में तो काफ़ी मज़ा आता है। ये X1 जो है इसमें ऑल व्हील ड्राइव सेटअप हट गया है, जो एक्स ड्राइव आता था वो अब नहीं आता है, क्वाट्रो Q3 के अंदर नहीं आता है, तो वो दोनों गाड़ियाँ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव जो है वो मिलेगी। Q3 में क्वाट्रो जो है वो आपको मिल जाता है और X1 में जो है वो एक्स ड्राइव आपको नहीं मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को अब अगेन फॉर्मेटिक जो है वो आई गया है, तो ये आप ऑप्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये देखो वाइपर के थ्रोस अच्छे हैं, कली में इसको मोटा मोटा सबसे ज़्यादा कली मैंने चलाया इसको 240 किलोमीटर समथिंग, बहुत ज़्यादा ऐसे वो बग्स आ गए हैं। ओके हाँ जी, तो अब अगर एडास की बात करें तो इसमें एडास नहीं है। एडास के मामले में लाइक थोड़ा सा पीछे रह जाती है कि सारे वो जो लेन कीप असिस्टेंट वो सारे फंक्शन यहाँ पर नहीं मिलते हैं। इसमें जो फंक्शन मिलते हैं जैसे ब्रेक असिस्ट फंक्शन मिल जाता है, फ्रंट में कोई व्हीकल चल रहा है तो उसकी वार्निंग यहाँ पर आ जाती है, अगर आपने ब्रेक टाइम पे नहीं लगाया तो खुद से कार ब्रेक भी लगा देती है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फंक्शन यहाँ पर है, जैसे ये ऑरेंज कलर की लाइट आ रही है जस्ट बिकॉज की मेरे पीछे कार आ रही है। इसमें जो है पार्क असिस्ट फंक्शन भी आता है, उसमें होता है पता है कि आप पार्क में डालो, पार्किंग सर्च कर लेगा ये और उसको सिलेक्ट करके पार्किंग को आप कार को छोड़ दो, कार की स्टीयरिंग खुद से चलती है, गियर खुद से लगते हैं, चाहे वो आगे लगाना है पीछे लगाना है आपको कुछ नहीं करना होता है, ना आपको ब्रेक लगाने होते हैं, कार खुद से उस पार्किंग पे पार्क हो जाएगी, कार ऑफ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो अप्लाई हो जाएंगे और आप कार से नीचे उतर के चाबी से लॉक करके जा सकते हैं, दैट्स ऑल। तो उस लेवल की पार्किंग जो है ये GLA खुद से कर लेती है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। मैंने थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग इससे करी है, खराब रास्तों में इसको लेके गया हूँ, वहाँ पर भी इसने कमाल एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करा है। इसका ये जो फॉर्मेटिक सिस्टम है वो बहुत ही स्मार्टली वर्क करता है, बट जस्ट जिसका फ्रंट बम्पर है या जो रियर बम्पर है वो उस हिसाब से इसको नहीं बनाया गया है कि ये प्रॉपर हार्ड कोर ऑफ रोडिंग कर सके। ये एक लग्जरी SUV है तो इसे खराब रास्तों में जो है वो आप लेके जा सकते हो, एकदम हार्ड कोर ऑफ रोडिंग जो है वो नहीं कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपको कहीं खेत वगैरह में ऐसे जाने की जरूरत पड़ गई जहाँ पे रास्ते बहुत ऊपर नीचे हैं, एंडुलेशन वगैरह हैं, चिकनी मिट्टी वगैरह हो, कीचड़ वगैरह में से निकलना है, वहाँ पर ये कार बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करके आपको बाहर निकाल सकती है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो GLA को एक बढ़िया पैकेज जो है वो बना देते हैं। तो मोस्टली अगर आप लोग दो लोग हैं घर में जिनको चलाना है, पीछे बच्चे ही बैठेंगे और डेली लाइफ के लिए डेली यूज के लिए आपको एक SUV प्लान करनी है अपने लिए, तो इस पर्टिकुलर कार को एक बार आप ज़रूर से टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। बाकी म्यूजिक सिस्टम इसका अच्छा है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है, कनेक्टिविटी वगैरह बढ़िया है कार के अंदर। जो गेयरबॉक्स है ये भी कमाल तरीके से काम करता है, बस जो एकदम स्लो स्पीड पे आपको जो उठानी होती है कार को वहाँ पर ऐसा लगता है कि पावर डिलीवरी जो टॉर्क है थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे फील होता है, चाहे वो इको में हो, कम्फर्ट में हो, किसी में भी हो। स्पोर्ट्स मोड में अगर मैं डालूंगा, ये देखो स्पोर्ट्स में डाल दी, तो RPM जो है ये लॉक नहीं करता है, ऊपर ले जाके जो है वो शिफ्ट कर देता है और हल्का सा भी, मतलब ऐसे डाउन शिफ्ट भी बहुत जल्दी नहीं करता है, अप शिफ्ट भी जल्दी नहीं करता है और प्रॉपर तरीके से, मतलब जैसे जिस हिसाब से आप एक्सेलरेट कर रहे हो ये RPM थोड़े से ऊपर रखेगा 2200-2500 RPM के आसपास, तो वहाँ से ये जो है अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट जो है वो करेगा। अभी जैसे 2000 RPM पे डाउन शिफ्ट नहीं कर रहा है, रेस दूंगा हल्का सा, फटाक से जो है ये रेस बढ़ा देगा, मतलब स्पीड जो है वो आपकी बढ़ा देगा। तो स्पोर्ट्स मोड में चलाने का मज़ा जो है वो एज एन सच बहुत ज़्यादा नहीं है इस कार के अंदर, बिकॉज कम्फर्ट मोड ही इकलौता ऐसा मोड मुझे लगा कि जहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा पूरा काम प्रॉपर तरीके से जो है वो बन जा रहा है। तो मुझे इस कार के अंदर स्पोर्ट्स मोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप हाईवे पर चला रहे हो तो डेफिनेटली आप इको मोड यूज़ करो, वहाँ पर भी डिसेंट पावर डिलीवरी आपको हो जाती है, बिल्कुल भी कार अंडर पावर फील नहीं होती है, बट माइलेज जो है वो काफ़ी बढ़िया आपको निकाल के दे देती है, जस्ट बिकॉज वहाँ पर अपशिफ्ट जो है वो बहुत फास्ट ये करती रहती है और RPM जितना हो सकता है लो रखने की कोशिश करती है। तो ये चीज़ इस कार की बहुत अच्छी है। सिटी में मोस्टली आपको 13 के आसपास माइलेज जो है वो ये देगी। हाईवे पे अगर आप इस कार को लेके जाते हो, आप आराम से 100-120 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हो, 17-18 के आसपास जो है माइलेज आप इस कार से निकाल सकते हो अगर आपको माइलेज मैटर करता है तो, क्योंकि बहुत सारे अगर लॉन्ग ड्राइव वगैरह प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली यार अगर वो थोड़ा सा कॉस्ट अगर अपनी कम हो जाए तो क्या ही दिक्कत है, अपनी गाड़ी अगर ज़्यादा चलती है तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, अगर जहाँ बच सकते हैं वहाँ पैसे बचाने चाहिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बट अगेन आप लोगों का कोई डाउट रह गया है प्लीज़ आप कॉमेंट करो, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। स्टिल अगर आप कोई और कार के ऐसी डिटेल डेप्थ रिव्यू देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे नीचे जो है वो कमेंट में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। इस पर्टिकुलर कार से रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में या इंस्टाग्राम मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। मैं ऐसी कार्स बाइक स्कूटर की वीडियो रेगुलर अपने चैनल पे लेके आता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।